पता नहीं कितने लोगों के सपने टूट गए। सपने क्यों टूटे? क्योंकि YouTube ने एक नई पॉलिसी निकाल दी है और पॉलिसी है मोनेटाइजेशन के लिए। वैसे आपको ये जरूर पता होगा कि आप YouTube से पैसे कमाते हैं। पैसे कैसे कमाते हैं कि आपके वीडियो में जब एड आएंगे तभी आप पैसे बना पाएंगे। और YouTube ने इस बार इतनी बड़ी पॉलिसी निकाल दी है कि बहुत सारे लोगों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। YouTube ने यह कहा है कि एक साल के अंदर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। यहां तक बात बहुत अच्छी है क्योंकि सब्सक्राइबर तो आप बना ले जाएंगे। और YouTube पहले ये कहता था कि आपको 10000 व्यूज चाहिए यदि आपको मोनेटाइजेशन इनेबल कराना है। तब हमारे बड़े बड़े धुरंधर भाइयों ने व्यूज के चक्कर में बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिए। लेकिन अब कहानी बदल गई है क्योंकि चल रहा है 2018 और 2018 में YouTube नहीं छोड़ने वाला उन क्रिएटर को जो नींबू मिर्ची के वीडियो बनाते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं। अब YouTube ये कहता है कि आपको अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे कम से कम 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। यदि आपको नहीं पता है कि वॉच टाइम क्या होता है, थोड़ी सी डिटेल जान जाइए। यदि मैं आपका वीडियो देखूंगा, 2 से 4, 5 जितने भी मिनट देखूंगा, वो वॉच टाइम में होगा कैलकुलेट 4000 घंटे, मतलब 240000 मिनट। जब तक आपका वॉच टाइम नहीं होगा तब तक आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। परेशान मत होइए, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप इसे कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि YouTube ने ये कहा है जो पुराने क्रिएटर है उनके पास केवल 20 फेब 2018 तक का टाइम है। उससे पहले वो अपने चैनल पे 4000 घंटे का, 4000 आवर्स का वॉच टाइम कर लें तभी उनके चैनल पर मोनेटाइजेशन बची रहेगी, नहीं तो उनके चैनल की भी मोनेटाइजेशन छिन जाएगी। कहानी बहुत हो गई, अब मुद्दे की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगा, यदि इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, अब आपको क्या करना है पहले ये जान जाइए। ये जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है ये कोई व्यू नहीं है। आप यदि किसी के वीडियो में केवल आकर 1 सेकंड वॉच करेंगे कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब जब तक कोई भी बंदा आपके वीडियो को पूरा का पूरा नहीं देखेगा तब तक आपका वॉच टाइम नहीं होगा। सबसे पहले मैं हरदम आप लोगों को ये कहता हूं कि भाई आप पकड़िए ट्रेंडिंग टॉपिक। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आज जियो ने कोई नया प्लान लॉन्च कर दिया, जब वो प्लान आएगा उसकी बहुत ज्यादा सर्च में आएगा, मतलब बहुत सारे लोगों में अंदर से इच्छा जागेगी कि भाई जियो के इस प्लान के बारे में पता कर लें। आप तुरंत अपना कैमरा तैयार रखिए, अपना कंप्यूटर तैयार रखिए, तुरंत उस पर एक वीडियो बना दीजिए। इस वीडियो से ये फायदा होगा, कहीं ना कहीं यदि आपका लक हुआ, आपका वीडियो रैंक हो गया तो आपके पास व्यूज आ जाएंगे, व्यूज आए तो आपके सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा है कि आपका वॉच टाइम कैसे होगा। भाई लोग मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, यदि आप छोटे वीडियो बनाते थे 1, 2, 3 मिनट का, तो प्लीज अब ये करना बंद कर दीजिए। अब बनाइए थोड़ा बड़े वीडियो, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, 6 से 7 मिनट का वीडियो तो बना लेंगे लेकिन यदि आपके सब्सक्राइबर जो वीडियो देखता है उसे अच्छा नहीं लगा तो वो 1 मिनट भी नहीं देखेगा और आपके वीडियो से चला जाएगा। आपको मिलेगा केवल 1 मिनट का वॉच टाइम। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपने सब्सक्राइबर को बांध के रखिए, मतलब हाफ मिनट। यदि आपका वीडियो है 6 मिनट का, 3 मिनट उसे ऐसा बांधिए कि आपके वीडियो में वो बंधा रहे, मतलब आपकी वीडियो में वो देखता रहे। मैं तो आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूं,
आप कोई व्लॉग टाइप का बनाइए और उसमें आगे कुछ ऐसी चीज बताइए कि नहीं यार, यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो लास्ट में मैं आपको ये दिखाने वाला हूं। मतलब अंदर से इच्छा रहेगी कि भाई इस बंदे ने मेरे को पहले ये कहा था, इसने अपने थंबनेल में ये लगाया है, इस वीडियो में कहीं ना कहीं ये है, वो है लास्ट में, इसलिए आपका कोई वीडियो वॉच कर लेगा। यदि वीडियो वॉच कर लिया, आपका आ जाएगा वॉच टाइम। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप सबसे पहले बड़ा, मतलब थोड़ा लेंथ बढ़ाइए। दूसरी चीज, आप अपने वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा एक्साइटिंग रखिए कि सामने वाला मजबूर हो जाए कि हाँ भाई मुझे इसका पूरा का पूरा वीडियो देखना है। तीसरी, आप जो भी टॉपिक चूज करें वो इतना अच्छा होना चाहिए कि नहीं उसके बहुत ज्यादा सर्च हो रहा हो। चौथी और सबसे अच्छी बात, आप अपने वीडियो में चाहे आप व्लॉग बनाएं, चाहे आप कोई भी न्यूज बताएं, कुछ भी बताएं, उसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी रखिए। यदि आपकी क्वालिटी अच्छी हुई, कहीं ना कहीं जो आपको देखता है, जो आपका सब्सक्राइबर है, वो आपके वीडियो को वॉच करेगा। यदि वो वीडियो वॉच करेगा, उसे भी अच्छा लगेगा और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, आपको वॉच टाइम भी देगा। मैंने आपको पूरी की पूरी चीज बताई इसलिए है क्योंकि अब वॉच टाइम बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आप ब्लॉग बना सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात, यदि आपके अंदर बोलने का टैलेंट है, सबसे अच्छी और सबसे फिट है, यदि आपके पास सब्सक्राइबर थोड़े बहुत हैं, मतलब आपके पास 100, 200, 500 जितने भी सब्सक्राइबर हैं, भाई ज्यादा से ज्यादा लाइव जाओ। लाइव जाओगे आपको वॉच टाइम मिलेगा, आपके सब्सक्राइबर आपको देखेंगे और उनसे भी आपकी बॉन्डिंग बनेगी, और यदि आपका लाइव सेशन अच्छा गया तो वहां से भी आपको वॉच टाइम मिल जाएगा। मतलब आप बड़ा वीडियो भी बनाएं, लाइव भी जाएं, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी रखें, टॉपिक बहुत ही अच्छा चूज करें, जो लेटेस्ट चल रहा हो, ट्रेंडिंग में चल रहा हो, ये नहीं कि आपने पिछले जमाने का कोई टॉपिक चूज कर लिया जिसका कोई सर्च होता ही नहीं है। प्लीज भाई लोग, काम करना बंद मत करिए, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर आ गए थे जो यूट्यूब में केवल ड्रामा करते थे, मतलब केवल नींबू मिर्ची के वीडियो बनाते थे। या तो आप सिक्का यहां रखिए, आपकी किस्मत चमक जाएगी। यूट्यूब को उनको सबक सिखाना था, आपको नहीं। यदि आप अच्छे क्रिएटर हैं तो आपके दिमाग में आइडिया जरूर आएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैसे वीडियो बनाएं, अच्छे वीडियो बनाएं, ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएं, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी रखें, क्वालिटी दें। और यदि आपका कोई फ्रेंड है, हो सके किसी से आप कोलैब करें। कोलैब करने से ये बेनिफिट होगा कि आपको कोई दूसरा भी जान जाएगा। यदि आपका फ्रेंड आपको जान गया, कोलैब कर लिया, आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि नए लोग आपके पास आएंगे। और आप जहां पर भी शेयर करते हैं, यदि आप किसी सोशल नेटवर्क में शेयर करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी शेयर करते हैं, करिए, लेकिन वहां से आपको केवल व्यूज आएगा। और अब आपको व्यूज नहीं चाहिए, अब आपको वॉच टाइम चाहिए। वॉच टाइम के लिए आपको अपने वीडियो पे ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छी चीज बनाइए ताकि आपका वीडियो चल जाए। और YouTube में बहुत सारी चीजें होती हैं, डे बाय डे YouTube अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। मेरा यही सजेशन है, आप थोड़ा दिमाग लगा के काम करें। और प्लीज यार, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि YouTube की ये पॉलिसी बिल्कुल खराब है। मुझे पता है 4000 घंटे बहुत होता है, लेकिन आप काम तो करिए। क्या पता आपके 4000 घंटे वाला जो है ना, कोई आपका वीडियो वायरल हो जाए, अच्छा चल जाए, ये तो आपके लक के ऊपर है। लेकिन आपने यदि काम करना बंद कर दिया, नुकसान आपका होगा। क्या पता आपका वीडियो वायरल होता है नहीं होता, काम करना बंद कर देंगे तो आपको भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसका मतलब यही है घुमा फिरा के कि आप काम करिए, अच्छा वीडियो बनाइए, अच्छा कंटेंट लाइए, नींबू मिर्ची वाले वीडियो ना बनाइए, ये सब काम करिए। यदि तब भी आपके वीडियो पे नहीं आ रहे व्यूज, कहीं ना कहीं आप कोई गलती कर रहे हैं। उस गलती को समझ जाइए, क्योंकि अभी आप संभल सकते हैं, धीरे धीरे कर पे, कहीं और कोई ऐसी पॉलिसी ना आ जाए जिसमें फिर आप संभल ना पाए। आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।